दो सवालात हैं। अब जो बुनियादी अरकान हैं इनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक हासिल है। पहला सवाल ये है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से हतमी फैसला नहीं आ जाता, क्या उस वक्त सीएम पंजाब हुज़ूर शहबाज जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लम्स डी सीट है, तो ये डी सीट जब तक पार्लियामेंट बचाव नहीं बनाता इसका टर्म 5 साल की होगी? नहीं, इसमें पहले मैं बारी बारी आपके दोनों सवाल बड़े रेलिवेंट हैं। जी हाँ, उनको अपील का हक है, लेकिन आर्टिकल 63A के तहत उनको डी सीट करना जो इलेक्शन कमीशन ने है वो फोर्थविथ करना है। आज तीसवां दिन है, आज उनका फैसला आ गया है। इसके बाद मेरे ख्याल में अभी कुछ ही एक आधे घंटे में उनकी डी सीटिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट जब तक 90 डेज तक, क्योंकि जो डेक्लरेशन पार्टी हेड ने दी है आज वो कन्फर्म हो गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लिहाजा दो जो प्लेटफॉर्म हैं उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है। लिहाजा ये जो 25 लोग हैं ये अब MPA नहीं रहे, ये प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर नहीं हैं। और हमजा शहबाज शरीफ की जो अक्सरियत थी, क्योंकि वो इनकी बुनियाद पे थी, लिहाजा वो अकलियत में अब आ गए हैं और आइन अकलियती पार्टी को हुकूमत करने का हक नहीं देता, लिहाजा वो आइनी तौर पर कानूनी तौर पर वज़ीर आला नहीं रहे। दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल आपका क्या था? 5 साल के लिए। हाँ, उसका ये है सर कि ये बात ये कही गई है उस दिन, रिपोर्ट हुआ मीडिया में कि शायद जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। मैं ये आज बिल्कुल आपको बता दूं कि ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि आर्टिकल 63A आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता, जिसका मतलब है कि 62-63 के साथ पढ़ा जाएगा। और तब जब तक पार्लियामेंट कोई मुद्दत का तयन नहीं करती समीउल्लाह बलोच केस के रोशनी में, यह डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी। और इसके लिए जो तादीबी कार्रवाई है या जो भी कार्रवाई है वो मैं फिर पार्टी हेड्स के साथ बैठ के उसमें भी हम फौरी तौर पे शुरू करेंगे। वैसे, बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैं मशवरा सिर्फ उनको दे दूँ कि अगर कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश भी है आवाम के सामने जाके वोट ना मांगना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। असद उमर और दीगर गुफ्तगू कर रहे थे। असद उमर की जानिब से कहा गया कि कौम ने ज़मीरों की बोली लगते देखा है।